रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। इन पाकिस्तानियों के खाने को इनको नहीं मिल रहे टमाटर, ना मिल रहा इनको प्याज, लेकिन बातें करते हैं ये बड़ी बड़ी। क्या भारत जंग के लिए तैयार है? क्या भारत एक एटमी जंग का मुतहम्मिल हो सकता है? क्या भारत इस जंग के बाद अपना नामो निशान दुनिया के नक्शे पर तलाश कर सकेगा? खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पर टांगे राइफल। एक तरफ तो पाकिस्तान में बाढ़ आई हुई है, बाढ़ की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो जितनी भी खड़ी फसलें थी सब बर्बाद हो चुकी, तबाह हो चुकी। तो पाकिस्तानी मीडिया के पास में अब एक ही काम है, रोने का, कि जी सब अच्छा है, हमने दिवालिया होने से बचा लिया मुल्क को। सब झूठ और फरेब साबित हो गया। IMF की रिपोर्ट में साफ कहा गया कि पाकिस्तान इस वक्त मौशी दोराहे पर खड़ा हुआ है। सही बात है। तो पाकिस्तान के अंदर टमाटर 500 रुपए किलो हो गया, आलू 150-200 रुपए किलो हो गया, प्याज 600-700 रुपए किलो हो गया। पाकिस्तान के अंदर मतलब एक तरीके से समझ लीजिए पाकिस्तान डूबने की कगार पे पहुंच चुका है। पानी से तो डूब चुका है, वो आर्थिक इकोनॉमिक तौर पर भी डूबने वाला है। मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि अगर 600 रुपए किलो टमाटर है तो कम से कम मैं तो नहीं खरीद रहा भाई। मगर क्यों? और अगर 400 रुपए की प्याज है तो भी मैं नहीं खरीदूंगा। तो पाकिस्तान मीडिया के अंदर मच गई है अफरा तफरी। इस अफरा तफरी का आज लेते हैं अपन आनंद। ठीक है, भारत के हवाले से अभी फैसला नहीं हुआ। हालांकि भारत जो है वो सबसे कन्वीनियंट है ऑब्वियसली, अगर वहां से किया जाए, लेकिन ऑब्वियसली ये फैसला होना अभी बाकी है। क्या हम डिले कर रहे हैं, फैसला ले लेना चाहिए था? हमें दोस्तों की इमदाद चाहिए। ये जो तासर देने की कोशिश की आज इमरान खान साहब ने कि वो भीख मांगने जाते हैं, और भीख उनको कोई देता नहीं है, ये भीख मुझे जरा नाम लेके बताएं किस लीडर ने नहीं मांगी। हाल तो हमारा बस अजीब सा ही कुछ हुआ है, क्योंकि मार्केट गया था और वहां पर जो उन्होंने कीमतें बताकर मेरा हाल किया है तो मैं तो बेहाल हो गया। जी वैस सबका यही हाल है। और आप यकीन करें, कल भी एक चैनल पे थी और मैं कह रही थी कि मुझे लाइफ में किसी ने किसी डिजीज का पूरा मॉलिक्यूलर पाथवे भी पूछा है तो मुझे उस टॉपिक पे बात करने में इतनी दिक्कत नहीं है जितनी मुझे हर जगह ये बात करने में दिक्कत हो रही है कि क्या खाएं, बिकॉज एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव। ओके, जी सब अच्छा है, हमने दिवालिया होने से बचा लिया मुल्क को। सब झूठ और फरेब साबित हो गया। IMF की रिपोर्ट में साफ कहा गया कि पाकिस्तान इस वक्त मौशी दोराहे पर खड़ा हुआ है। IMF ये कह रहा था कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो फिफ्थ लार्जर होगी और क्रॉस करेगी UK को बाय 2027, और ये आज है 2022, यानी कि 5 साल पहले ही क्रॉस कर गई। एक बंदे को मैंने देखा ब्रेक पे जाने से पहले, आपको बताऊं, हाथ में प्याज पकड़ा हुआ, प्याज को पकड़ के बोला ये प्याज गद्दार है, ये प्याज गद्दार है। मैंने कहा क्यों? कह रहा ये इंडिया से आया है। बड़ी गहरी बात है समझने के लिए, टमाटर और प्याज को गालियां नहीं दो, ये हमारी खुराक है। ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? सैलाब की वजह से अब जब आप मार्केट में जाते हैं तो जो सब्जियां हैं उनकी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। बिल्कुल, चलें कुछ अरसा रोटी ना खाएं, या रोटी अगर बनानी है तो और किस चीज से बनाएं? खाना तो पकना है, खाना पकना है, घर वालों ने खाना खाना है, बच्चों ने खाना खाना है। तो अब जो खाना पकने के इंग्रेडिएंट्स हैं खास तौर पे और जिनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी थी, उनकी जगह पर अब सब्स्टिट्यूट्स क्या हो सकते हैं, अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, नेमुल बदल क्या होगा प्याज का, टमाटर का? टमाटर तो मिल नहीं रहा, कहीं से मिल रहा है टमाटर गंदा मंदा, वो 250-300 रुपए किलो है। कि देखो जी महंगाई बर्दाश्त करो, चुपचाप बर्दाश्त करो, चुपचाप टैक्सों का बोझ उठाओ, महंगी बिजली के बिल भरो, महंगी गैस खरीदो, लेकिन शिकवा ना करना, गिला ना करना, वरना श्रीलंका की तरह मुल्क दिवालिया हो जाएगा। फिजा खलीफा के मुंह में घी शक्कर, घी शक्कर, घी शक्कर, घी शक्कर, वो भी किलो किलो नहीं, सैकड़ों सैकड़ों किलो। अबे साले, आज इतना महंगा प्याज है, यही हम इंडिया से लेके आए हैं, इम्पोर्ट कर लें तो ये चीज नीचे आए, कीमत कम हो, लोगों के लिए आसानी पैदा हो। इंडिया से तो हमने लड़ाई रखी हुई है। जो उसने कश्मीर में कर्फ्यू लगाया हुआ है, जब तक वो नहीं उठाता उससे कोई चीज ना लेनी चाहिए ना देनी चाहिए। अरे बाबा, ये हमारा बीइंग अ मुस्लिम एक मौकफ है, पता है? क्योंकि जब आप ये कहते हैं ना, आप ये ना लें, ये ले लें, यू कम अक्रॉस एज वेरी इनसेंसिटिव बहुत सारे लोगों की नजरों में, कि आप इतने मजे से जी ये कह देते हैं। आपको मजबूरी है, हाँ, कि आप ही नहीं, हमारी बहुत सारी अनाज में तो चीजें होंगी नहीं क्योंकि वो सारी फसल तबाह हो गई, तो ऐसी सूरत हाल में फिर हमें क्या करना है? मतलब ये है कि हम लोग इस चीज में खुश हैं कि अंधेरे में रहे, भूखे रहे, प्यासे रहे, लेकिन इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं करेंगे। एक ये चीज़ हमारे बचपन से हमारे माइंड में डाल दिया गया है।
सबसे पहले तो मैं ये मशवरा देना चाहूंगी कि अब होम गार्डनिंग शुरू कर दें। जिन लोगों के इवन के 3 या 5 मरले के घर भी हैं, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ आप अपने घरों की छतों पे अपनी सब्जियां उगा सकते हैं। यकीन करें, जनरल वैसे बात करूं कि वो ऑर्गेनिक भी होंगी, वो बेटर भी होंगी, हर मौसम के हिसाब से भी आती रहेंगी। वैसे भी हमारी बॉडी को पूरा साल हर सब्जी की जरूरत नहीं होती, मेडिकली भी अल्लाह ताला की तरफ से वो ऐसी सिंक्रोनाइजेशन है कि आपकी बॉडी को उसी सब्जी की जरूरत होती है जो उस वक्त उस मौसम में अवेलेबल होती है। सबसे पहले तो अब हर इंसान होम गार्डनिंग स्किल सीख सकते हैं अपने घरों में, चाहे 6-8 महीने बाद उसके वो फल पौधे निकलेंगे ना। अवैस ये प्रॉब्लम उससे भी ज्यादा लंबा चलने वाला है, एटलीस्ट उसकी तरफ आप स्टार्ट तो करेंगे ना। और ये इन्फ्लेशन कहाँ अभी हाथ पकड़ रही है, घर में कुछ ना कुछ उगाना शुरू करें। बिल्कुल, हर कोई अपने घर में कुछ ना कुछ तो आप पकाएं, कुछ ना कुछ तो आप उगाना। एक मिनिमम सी इन्वेस्टमेंट, आप एक 25-30 हजार की इन्वेस्टमेंट के साथ अपने घर में सब्जियां वगैरह जो है वो उगाना शुरू कर दें। एंड अदर देन दैट, मील्स जो है रेस्टोरेंट से एक तो आप खाएं ना ही खाएं, उससे भी आप बहुत ज्यादा बचाते हैं। और वो लोग जो बेचारे वैसे भी इनके रेस्टोरेंट से नहीं खा सकते हैं, आप लोग कंपैरेटिवली दही जो है वो टमाटर से सस्ती है, आप टमाटर की जगह दही का सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मुझे तो वैसे हर चीज का नाम लेते ही शर्म आती है, क्योंकि किसी ना किसी को तो लगेगा कि हमारे लिए वो वाली चीज भी जो है वो बहुत ज्यादा महंगी है। टमाटर से दही जो है वो सस्ता है, तो अब अगर दही की अगर हम बात करें तो दही जो है वो घर में भी बनाया जा सकता है। भारत की तरफ से अगर हम वेजिटेबल्स खासतौर पर अनियंस और टोमेटोज इम्पोर्ट करें, इस हवाले से एक इंटरनेशनल एजेंसी का उन्होंने कहा कि हम रابطے में हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि जो इंपोर्ट को फैसिलिटेट करते हैं। साथ साथ उन्होंने ये कहा इस ट्वीट के अंदर कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने कि हम ये फैसला कोलेशन पार्टनर्स यानी पीडीएम गवर्नमेंट, इसके अलावा तमाम स्टेक होल्डर्स और सप्लाई शॉर्टेज को सामने रखते हुए फैसला करेंगे। ये कहते हैं भारत के साथ ट्रेड नहीं चाहिए, हम नहीं करेंगे भारत। भारत कब कह रहा है कि आप हमारे साथ करो? ये किससे सवाल करते हैं और किसके सवाल का जवाब देते हैं? आप जरा मुझे ये बताइए, जरा रोशनी डालिए इस पे। शहबाज शरीफ साहब ये किसको बोल रहे हैं कि भारत के साथ ट्रेड नहीं करेंगे? ये ऐसे दिखाते हैं जैसे कि मोदी जी हर शाम को फोन करते होंगे कि शहबाज शरीफ साहब प्लीज हमसे ट्रेड शुरू कर दीजिए, बड़ा मामला यहाँ पे खराब हो रहा है अगर आप लोग ट्रेड ना करें तो। ये खुद ही सवाल पूछते हैं, खुद ही जवाब देते हैं, जैसे टेबल टेनिस का गेम चल रहा है और एक ही आदमी यहां से भी बॉल मार रहा है, फिर टेबल के वहां जाके फिर वो बॉल मार रहा है, फिर यहाँ पे जाके वो, ये पता नहीं अजीब, मुझे तो इनका लॉजिक समझ में नहीं आया। लेकिन फिर इसके बाद हमने देखा कि ये ट्वीट के बाद ही एक बहस शुरू हो गई। फवाद चौधरी साहब का एक ट्वीट सामने आया, फवाद चौधरी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मजमूई तौर पर इस फैसले की भरपूर मुखालफत करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि सैलाब के हवाले से जो सूरत हाल आफत ज्यादा है, इसकी आड़ में भारत के साथ तिजारत को बहाल नहीं होने देंगे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो पाकिस्तानी को रोता बिलबिलाता तड़पते हुए देखने में आपको जो आनंद आया, उस आनंद को आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी प्राप्त कीजिए, और जितने हो सके धड़ाधड़ कमेंट कर दीजिए। ओके, आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाक मिले से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।